हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ये मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन है, फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है मशीन का। इसको अल्ट्रासाउंड का हेड बोलते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर रहा है, तो अभी इसको हम पूरा ओपन करेंगे और इसको खोलेंगे, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ से होती है। ज़्यादातर इस हेड में प्रॉब्लम लापरवाही से ही होती है। इसका जो वायर है वो हमेशा यूज होते रहता है, ये हेड है जो यूज होते रहता है, हमेशा मूव होते रहता है, जिसके कारण कहता है वायर आपस में लिपट जाते हैं या फिर टेंशन या खिंचाव के कारण टूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये इसको पहले हम इसका जो पॉइंट्स है जहाँ हम मशीन में कनेक्ट करते हैं, इसको खोल के चेक करते हैं। ज़्यादातर इसमें यहीं से प्रॉब्लम आती है, इसको भी पहले ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, अभी तक इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं मिली। अब इसके हेड को पूरा खोलते हैं। मेनली सर, जो अभी मैं खोल रहा हूँ, यही मेन किट है या मदरबोर्ड कहिए, आप जो भी समझिए। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, यहीं से इसका पूरी कंट्रोलिंग मशीन के थ्रू इसमें पावर सप्लाई आते रहता है और ये काम करता है। ये ज़्यादातर केसेस में जो है कि लकवा वगैरह का शिकायत होता है या फिर सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, गर्दन में दर्द वगैरह होता है, तो उस जगह पे इसको यूज में लाया जाता है। दोस्तों, जैसा देख सकते हैं, ये एक इसका वायर यहाँ से सोल्डिंग छोड़ दिया है, जो सोल्डिंग किया गया था वायर हमेशा ऐठन आने से छोड़ देता है। तो दोस्तों, इसको सोल्ड करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आप लोग बने रहिए। क्या है कि दोस्तों, एक वायर बड़ा है और एक वायर छोटा है, उसके कारण भी दिक्कत होता है, तो मैं इसको काट के बराबर कर लिया, उसके बाद फिर कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों, अब इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने के बाद इसको एक बार फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि क्या होता है।
दोस्तों सोल्डिंग हो गया, मैं इसको फिक्स कर लिया हूँ। अब इसके हेड को फिक्स कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं इसका कंटिन्यूटी चेक करता हूँ क्या ये काम करने लगा या नहीं। ये रेजिस्टेंस बेस पे काम करता है, इसको चेक करने के लिए जो है रेजिस्टेंस बेस पे हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से, लेकिन दोस्तों इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, अभी कोई इसमें है अंदर प्रॉब्लम जिससे ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। दोस्तों इसको एक बार देखते हैं, वायर शायद ब्रोक कहीं से टूटा हो अंदर से, पता नहीं चल रहा है, चूँकि कंपनी जो वायर देता है वो ठीक ठाक रहता है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं। और इसमें सोल्डिंग करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये जल्दी से सोल्ड नहीं होता है। देखिए इसको चेक कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, वायर कहीं से है ब्रोकन, हम इसको वायर को खोजते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। तो हमने इसके वायर का जो ये है इतना बड़ा टुकड़ा जहाँ से ये बार बार मुड़ता है वो टूट चुका है अंदर से ही, मैं इसको चेक कर रहा हूँ अभी। दोस्तों मल्टीमीटर में देख सकते हैं ये वायर इधर से सही है, ये वायर ही गड़बड़ है जिसमें वो मेरा हेड फिट है, तभी इसको सोल्डिंग इसमें कर लेंगे तो ये काम करने लगेगा। दोस्तों इसको एक बार जैसे इसको एक्चुअल क्या है कि वायर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोटेड है या फिर जो भी है, ये अच्छे से सोल्ड नहीं होता है दोस्तों, बार बार सोल्ड करने में थोड़ा दिक्कत करता है, तो ओवरऑल करते हैं इसको। दोस्तों लगभग 6 इंच के आसपास का वायर मेरा जो है वहाँ से ब्रेक कर गया था, अभी इसको यहाँ से वायर कट कर लिया हूँ, अभी इसको ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इसके किट से, इलेक्ट्रॉनिक किट्स जो है, एक साइड का हो गया दोस्तों, अभी दूसरे साइड का मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये काम करने लगा मेरा,
तो इसको मैं कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टाइप की मशीन में, कोई प्रॉब्लम है, या सभी डॉक्टर्स जो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं अगर उनके पास मशीनें हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है और उनके आसपास कोई मिस्त्री या मैकेनिक नहीं है, तो हमें किसी भी वहाँ के छोटे मोटे मैकेनिक से आप बात करा दें, मैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी उस मशीन को अटेंड करा दूँगा। दोस्तों मेरे कोई चार्जेस नहीं होंगे, आप केवल मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये कनेक्ट हो गया मेरा, इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद मैं डॉक्टर सर को ये कम्प्लीटली फिल्म फिट कर लिया, चेक कर लिया, ये सही हो गया है, इसको मैं डॉक्टर साहब को दे दूँगा। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।